भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार का ऐलान सोमवार शाम ईद का चांद पटना और गुवाहाटी समेत कई जगहों पर देखे जाने के बाद किया गया। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने एक बैठक के बाद इसकी घोषणा कर दी। ईद को रमजान के पवित्र महीने के समापन के मौके पर मनाया जाता है। आज ईद का चांद दिख गया है लोगों को। इस वक्त हम जामा मस्जिद के मेन मार्केट में मौजूद हैं। आप यहां का चहल पहल देख सकते हैं, किस तरह से मार्केट पूरा गुलजार है। लोग बाग सड़कों पे हैं, खरीदारी के लिए सेवैयाँ खरीद रहे हैं, फेनी खरीद रहे हैं और काफ़ी देखा जाए तो ईद के चांद को लेकर एक बेसब्री से इंतज़ार रहता है लोगों का कि कब वो चांद दिखेगा और कब ईद मनाई जाएगी। लेकिन आज ईद का चांद दिख गया है, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। ईद पर बाजारों में रौनक छाई है, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई त्योहार को रंग देने में जुटा है। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने यानी रमजान के दौरान मुस्लिम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बिना खाना खाए और बिना कुछ पिए रोजा रखते हैं। इस महीने को आत्मसंयम और त्याग के साथ ही हर वर्ग के बीच भाईचारे के रूप में देखा जाता है। बहुत खुशी है, आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बाजार देख रहे हैं एंड सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद उल फितर के त्योहार को लेकर हर किसी के चेहरे पर रौनक है। मुस्लिम से लेकर हिंदू भाई तक ईद को साथ साथ मनाने में जुटे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये त्योहार आने वाले समय में लोगों के बीच आपसी सौहार्द को और मजबूती प्रदान करेगा और पूरी दुनिया को भारत की मिली जुली संस्कृति का संदेश देगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरविंद पांडे की रिपोर्ट।